नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईएस न्यूज। इधर मुरादाबाद पहुंचे योग गुरु बाबा रामदेव, उनके साथ पहुंचे बालकृष्ण महाराज, सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम। मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत विवेकानंद कॉलोनी में नेचुरोपैथी सेंटर को पतंजलि योग पेट में शामिल होने पर निरीक्षण करने पहुंचे थे बाबा रामदेव। योग गुरु बाबा रामदेव ने पूरे सेंटर का किया निरीक्षण, वृक्षारोपण कर पत्रकारों से की बातचीत। इधर पूरे प्रदेश के साथ साथ जनपद मुरादाबाद में पूरी तरह खुले विद्यालयों में पठन पाठन को लेकर किया जा रहा है काम। जिला विद्यालय निरीक्षक प्रदीप कुमार द्विवेदी ने कहा कि स्कूलों में शिक्षक व प्रधानाचार्य शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं काम। पूरी तरह विद्यालय खुलने के बाद जिला विद्यालय निरीक्षक प्रदीप कुमार द्विवेदी ने कहा, कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करते हुए विद्यालय को संचालित करने के लिए स्कूल प्रशासन करे काम। इधर मुरादाबाद ताजपुर माफी रोड स्थित रेलवे क्रॉसिंग अंडर पास का हुआ काम पूरा। स्थानीय निवासियों ने मिठाई बांटकर रेल प्रशासन का किया शुक्रिया। रेलवे अंडर पास का सही समय पर चलने के बाद रेल प्रशासन ने दिया हरी झंडी। शहरवासियों के हवाले किया अंडर पास, शुरू हुआ वाहनों का आवागमन। अंडर पास शुरू होने से स्थानीय निवासियों ने मिठाई बांटकर किया खुशी का इजहार। कहा, काफी समय से जनता थी परेशान, दुर्घटनाओं में भी आएगी कमी। इधर मुरादाबाद के कटघर रेलवे स्टेशन स्थित मुरादाबाद मुस्लिम डिग्री कॉलेज का गजल प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़ कर किया प्रतिभाग। महाविद्यालय के उर्दू विभाग की ओर से आयोजित गजल प्रतियोगिता में सभी प्रतिभागियों को महाविद्यालय प्रशासन की ओर से पुरस्कार देकर किया गया सम्मानित। उर्दू को बढ़ावा देने के लिए महाविद्यालय में आयोजित की गई गजल प्रतियोगिता। इधर मुरादाबाद के नगर निगम कार्यालय पर पहुंचे शिवसेना ने किया प्रदर्शन। नगर आयुक्त को शहर की समस्या के लिए दिया ज्ञापन। मुरादाबाद शहर में टूटी सड़कें, खुले मेन होल के कारण हो रहे हादसे। पिछले दिनों नाले में गिरने से एक युवक की हुई थी मौत। नगर निगम पर लगाया था लापरवाही का आरोप। शिवसेना के जिला प्रमुख वीरेंद्र अरोड़ा ने कहा, दिए गए ज्ञापन में समस्याओं का ना हुआ समाधान तो होगा बड़ा आंदोलन। इधर मुरादाबाद के बुद्ध बाजार स्थित हिंदू कॉलेज में 7 दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर का हुआ शुभारंभ। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर बीवी सिंह द्वारा 7 दिवसीय शिविर का किया गया शुभारंभ। रंगारंग कार्यक्रम हुई आयोजित। 7 दिन तक समाज में जागरूकता फैलाने के लिए विद्यार्थियों द्वारा किए जाएंगे कार्यक्रम। इधर मुरादाबाद में भूखों को 5 रुपए में भरपेट खाना खिलाने के लिए विश्व हिंदू परिषद सेवा विभाग द्वारा किया जा रहा है काम। मुरादाबाद के लाइन पार प्रकाश नगर चौराहे पर विश्व हिंदू परिषद द्वारा 5 रुपए में भरपेट खाना खिलाने के लिए किया लगाया गया कैंप। विश्व हिंदू परिषद सेवा विभाग द्वारा संचालित 5 रुपए में भरपेट भोजन कैंप में भारी संख्या में मजदूरों ने पहुंचकर किया भोजन। कहा धन्यवाद। विश्व हिंदू परिषद महिला इकाई की सभी सदस्यों ने बढ़ चढ़ कर किया प्रतिभाग। इधर मुरादाबाद में बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में मोहम्मद नदीम मोहम्मद वसीम ने किया नाम रोशन। उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर में आयोजित मिस्टर इंडिया बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में मोहम्मद नदीम में मोहम्मद वसीम ने अपनी कैटेगरी में गोल्ड मेडल हासिल कर किया नाम रोशन। मुरादाबाद लौटने पर हुआ स्वागत। इधर उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में संपूर्ण समाधान दिवस पर आयोजित शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को सुनने के साथ हुआ समाधान। जनपद मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पहुंचे जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रभाकर चौधरी, शिकायतकर्ताओं की सुनी समस्याएं, मौजूद अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने कहा, सरकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक व्यक्ति को मिलना चाहिए। इधर केजी के पीजी कॉलेज में वरिष्ठ छात्र नेता कुशल शर्मा के नेतृत्व में एलएलबी के छात्राओं ने एलएलबी की परीक्षा कार्यक्रम एक माह आगे बढ़ाने के लिए कुलपति एमजे पी रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली को संबोधित ज्ञापन प्राचार्य महोदय जीसी पांडे को सौंपा। इधर आज बिलारी में समाधान दिवस पर आयोजित शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को सुनने के साथ हुआ समाधान।